बिग बॉस को तो चाहिए मसाला, टीआरपी, लेकिन क्या मसाले और टीआरपी की वजह से अभिनव शुक्ला और रुबीना दलाल की जोड़ी टूट जाएगी, उसमें खलल पड़ जाएगी, उनके बीच मन मुटाव आना शुरू हो गया है। दोस्तों मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खम्बा गिनी केम छो, केरो हाल, कैसे काय, मैं हूं करण रजानी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तो आपको बता दूं कि रुबीना दलाक और अभिनव शुक्ला एक ऐसे कपल है बिग बॉस सीजन 14 में जिनमें काफ़ी ज़्यादा प्यार है। इनकी पहले भी बातें आ चुकी थी कि कुछ इनके झगड़े हुए थे, उसके बाद ये डिवोर्स तक पहुंच गए थे, उनके बाद उन्होंने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सॉल्व हो गई। अब आपने अगर कल के एपिसोड में देखा होगा या परसों के एपिसोड में देखा होगा तो रुबीना दलाक जो है वो बात नहीं करने दे रही अभिनव शुक्ला को, और अभिनव शुक्ला कहते हैं बार 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 एक ही चीज़, अरे यार रुबीना बात तो करने दो, तू मुझे बात ही नहीं करने दे रही हो। ऐसे में रुबीना के चेहरे पर गुस्सा और नाराज़गी नज़र आती है। आपको पता है कि एक टीम बनाई हुई है रुबीना दलाक की, अभिनव शुक्ला की, अभी उसमें जो है नैना भी शामिल हो गई, धीरे धीरे सब शामिल होते जा रहे हैं उसके अंदर, जान कुमार सानू आ रहे थे फिर जा रहे थे। अगर मैं टीम की बात करूँ तो टीम को लीड करते हुए अभिनव शुक्ला नहीं नज़र आ रहे थे, रुबीना दलाक नज़र आ रही थी, चाहे वो स्टोन गेम खेलना हो, चाहे वो डेयर डेविल का गेम खेलना हो। जो डेयर डेविल का जो गेम है उसमें क्या हुआ कि अभिनव शुक्ला बात कर रहे थे, ऐसे में रुबीना दलाक ने उन्हें टोक दिया। टोकने पर वो कहते हैं कि अरे मुझे कभी बोलने तो दिया करो, तो मुझे बोलने नहीं दे रही है, मुझे बोलने दो। ऐसे में उनके चेहरे पर नाराज़गी दिखी। हालांकि अभिनव शुक्ला काफ़ी शांत मिजाज के इंसान है, लेकिन आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं। और अगर आएंगे भी क्यों नहीं, बिग बॉस भी ऐसा गेम खेल रहे हैं, दोनों को बार बार वर्सेस बिठा रहे हैं, दोनों को बार बार आमने सामने बिठा रहे हैं। हालांकि उन्होंने करवा चौथ का व्रत वगैरह रखा, सब कुछ रखा, लेकिन क्या नज़र लग गई? जी हाँ, शायद कुछ तो उनके प्यारे से जो रिश्ते हैं उनको नज़र लग गई है, या तो फिर इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से शुरू हो गई है। क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाएगी कि इनके रिश्ते में तकलीफ आ जाएगी? अगर ये बिग बॉस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि एक रिश्ते को तोड़ना सबसे गलत बात है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ज़रूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में लिख के। मैं हूँ एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन, टेक केयर, गुड बाय, खुश रहें, एंड बिग बॉस और बॉलीवुड हेल्पलाइन को ना भूलें। बाय बाय।